हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम एंड रिच पैटिलू। आज मैं एक रिव्यू वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। यह है हॉकिंस का ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राई पैन, जिसकी डायमीटर है 22 सेंटीमीटर, 3 mm एक्स्ट्रा थिक ट्राई प्लाई है। कूलिंग सरफेस के बारे में बताया गया है, कोर जो है वो जो कि एल्यूमिनियम का बना है, एंड बेस एंड आउटर सरफेस के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो कि 430 मैग्नेटिक स्टील है, स्टेनलेस स्टील, जो कि इसको गैस और इंडक्शन पे कंपैटिबल बनाता है। तो ये देखिए 22 सेंटीमीटर हॉकिंस का ट्राई प्लाई, 5 ईयर्स की वारंटी है इस पर। इंडक्शन इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो भी है इसके अंदर दिया गया है। थ्री एमएम की थिकनेस है, 18 बाई 8 का स्टेनलेस स्टील है, जो कि आउटर लेयर है। रोजवुड के हैंडल दिए गए हैं, स्टेनलेस स्टील रिवेटिंग भी दी गई है, और मैग्नेटिक स्टील जो कि आउटर लेयर है 430, जो कि इसको इंडक्शन एंड गैस कंपैटिबल बनाता है। तो इसकी प्राइस देखिए, इट इज़ अराउंड 1310। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था और इस ये मुझे अराउंड 1250 रुपीज़ का पड़ा था। तो आइए ओपन करके देखते हैं। तो इसमें एक वुडन स्पैचुला दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। देखते हैं मैनुअल में सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, किस तरह से इस कुकर को यूज़ करना है। लो फ्लेम पे ही कुकिंग करनी है, डीप फ्राइंग नहीं करना है। और इसके अलावा कौन से साइज़ के ट्राईप्लाई हैं इसमें, ये भी दिया गया है, और क्या क्या फूड हम इसमें कुक कर सकते हैं और किस टेम्परेचर्स पे हमें कुक करना है। क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, और कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, और कुछ और फूड फूड कुकिंग करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसमें स्पैचुला और प्लास्टिक का स्क्रबर दिया गया है। और देखते हैं ये कुकवेयर, इसमें जो भी हमें अवॉइड करना है उसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कॉशंस, और ये है इसका वारंटी स्लिप, और ये है हमारा कुकवेयर जो कि इंटरनली मैट फिनिश के साथ आता है। ये 22 सेंटीमीटर का है और 1310 विदाउट लिड का कॉस्ट है, क्योंकि मैंने 1310 रुपीज़ का विदाउट लिड का ही कुकवेयर परचेस किया था। देखिए रोज़वुड की जो हैंडल है वो दी गई है, और स्टील का ही है इंटरनल रिम, और ये देखिए इसके आउटर 430 मैग्नेटिक स्टील है ये, और 22 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिखाया गया है, और काफ़ी अच्छा फिनिश है। और ये देखिए, ये ट्राईप्लाई की असली निशानी है, जो कि आउटर लेयर स्टील, इनर एल्यूमिनियम एंड आउटर लेयर मैग्नेटिक स्टील दिया गया है, मतलब 3 लेयर की सैंडविच कोटिंग दी गई है, जो कि इसको और अच्छा कुकवेयर बनाता है। काफ़ी हैवी कुकवेयर है, मेरे पास वेइंग मशीन तो नहीं थी, पर काफ़ी हैवी है। इसके हैंडल भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा मैंने वंडर शेप का भी यूज़ किया है, पर उसके मुकाबले ये कुछ ज़्यादा ही हैवी है। मुझे लगता है इसके मेन रीज़न हो सकता है क्योंकि इस पर रोज़ वुड का जो हैंडल दिया है गया है वो। तो आइए देखते हैं, मैंने इसमें कुकिंग भी की है तो उसका भी वीडियो मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसका जो स्टिकर है, स्टिकर कोटिंग है, वो निकालेंगे। इसके लिए पहले हमें पैन को थोड़ा हीट करना पड़ेगा। पहले वॉश मत कीजिए, सबसे पहले पैन को हीट कीजिए, और उसके बाद वो स्टिकर इजीली रिमूव हो जाएगा। अब फिर भी इसके ऊपर स्टिकर के कुछ मार्किंग्स हैं, तो अभी मैं कुक कर रही हूँ इसमें मटर पनीर, तो आप देख सकते हैं कितनी स्टिकी ग्रेवी है, तब भी इसमें किसी तरह से स्टिक नहीं हो रही है। काफ़ी अच्छा ट्राईप्लाई है, जो कि नॉन स्टिक की तरह भी काम करता है। अगर आप ग्रेवी करीज बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, नॉन स्टिक की पूरी। देखिए पनीर डाला है मैंने, अभी इसके ऊपर क्रीम डाला है, तो आप जान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी स्टिकी होती हैं। फिर भी इस बर्तन में कुछ भी नहीं चिपक रहा है, मैं आपको आगे भी दिखाऊँगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुकी है ग्रेवी, तो अभी मैंने कसूरी मेथी डाली इसमें, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये नॉन स्टिक की तरह काम कर रहा है। देखिए कहीं से भी ग्रेवी स्टिक नहीं हुई है। कोई और बर्तन होता अगर वो नॉन स्टिक के अलावा कुछ और, तो स्टिक हो जाता। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।